संसद में तीन तलाक का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है। सरकार तीसरी बार तीन तलाक का बिल पेश करने जा रही है। इससे पहले भी तीन तलाक का मुद्दा बेहद गर्म था। आपको बता दें कि पहले दो बार ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन बिल के कानून में तब्दील होने के लिए इसका राज्यसभा में पास होना जरूरी है, लेकिन हर बार सरकार की ये कोशिश विफल हो जाती है। इस बिल को निचले सदन से मंजूरी तो मिल गई, लेकिन इसे राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिल सकी थी। इस विधेयक को पेश किए जाने पर सदन में एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिली। आइए आपको बताते हैं कि आखिर किस नेता ने इस बिल को लेकर क्या कहा। सदन में बिल पेश करते ही केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये मामला इबादत और सियासत का नहीं बल्कि महिलाओं की हिफाजत का है, ये मुद्दा नारी न्याय का है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़ते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना जरूरी है। वहीं तीन तलाक के मुद्दे पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये भेदभाव पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा, अगर किसी गैर मुस्लिम को केस में डाला जाए तो 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा, क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन नहीं है? उन्होंने कहा कि आप महिलाओं के हित में नहीं, आप उन पर बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने आगे भी सवाल उठाते हुए कहा कि आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरल की हिंदू महिलाओं से मोहब्बत क्यों नहीं है? क्यों सबरीमाला के फैसले के खिलाफ आप हैं? ये गलत हो रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि किसी एक समुदाय को टारगेट करने के बजाय ऐसा कॉमन लॉ बनाया जाए जिसमें ऐसा करने वाले सभी लोग इसके दायरे में आ सके। उन्होंने कहा कि केवल एक समुदाय को ध्यान में रखकर बिल क्यों बनाया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में इस बिल से कोई बदलाव नहीं आएगा। थरूर ने कहा कि इस बिल से मुस्लिम महिलाओं की हालत में कोई सुधार नहीं होने वाला, न ही उनके हितों की रक्षा होने वाली है। मैं इस बिल का समर्थन नहीं करता हूँ। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने भी इस बिल को लेकर लोकसभा के बाहर एक सवाल के जवाब में कहा कि मुसलमान सिर्फ कुरान को मानेंगे। उन्होंने कहा, इस्लाम को जो मानेगा वो कुरान को मानेगा, कुरान जो कहेगा हम उसे मानेंगे। 1500 साल पहले महिलाओं को बराबरी का हक इस्लाम ने ही दिया था। अब देखना होगा कि NDA की सरकार को इस बार सफलता मिल पाती है या नहीं, और ये बहस कब तक जारी रहेगी। यदि आप तीन तलाक के मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात लिखें। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।